सतरंगी छठा लिए अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला आज विधिवत रूप से शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने झंडारोहण एवं पूजा अर्चना करके इस मेले की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ पुष्कर नगर परिषद के महापौर कमल पाठक, मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, मंडल के महामंत्री अरुण वैष्णव, पार्षद मुकेश कुमावत, रोहन बाकोलिया, अशोक पारासर उर्फ जम्मू सहित भाजपा के कई नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके पूर्व सुरेश सिंह रावत ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। यह पूजा अर्चना पुष्कर के प्रसिद्ध पंडित कैलाशनाथ दादिच ने कराई। इस बीच मेला मैदान पर ही कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें विदेशी पर्यटकों ने भी भाग लिया, जिसमें मांडना प्रतियोगिता एवं अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की, जिसमें स्थानीय बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत किए। नृत्य देखकर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय दांतों तले उंगली दबाने लगे। यह बालिकाएं कई दिनों तक मेले में कार्यक्रम देने के लिए अभ्यास करती है और इनकी मेहनत यहाँ नजर आती है। दिनेश पाराशर, पुष्कर। देखते रहिए हमारा चैनल। पुष्कर की खबरें देखने के लिए हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। पुष्कर के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी एवं उनकी टीम ने जोरदार नगाड़ा वादन करके इस कार्यक्रम का आगाज किया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में विदेशी पर्यटक भी मेला मैदान में जमे रहे और अपने कैमरे में कैद किया। लोग पूरे विश्व के लोग पुष्कर मेले का अलग अलग रूप में आनंद ले। पर्यटक काफी बड़े हैं निश्चित रूप से, औरों वर्षों की जगह इस बार पर्यटक काफी बड़े हैं, क्योंकि बीच में कोरोना काल भी रहा। इस बार हमारी जो व्यवस्था है, हमारे प्रशासन के लोग, चाहे कलेक्टर साहब हो, एसपी साहब हो, सभी विभागों के लोगों ने मिलकर इस बार पुष्कर में अच्छी व्यवस्था की है। लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसके लिए हमने अलग अलग सेंटर भी बनाए हैं, सुविधा सेंटर। धन्यवाद। विधिवत शुभारंभ किया गया है माननीय मंत्री महोदय के द्वारा, और जैसा आप देख पा रहे हैं सभी व्यवस्थाएं माकूल हैं। बस 3 माह से लगातार हमारी सभी टीम लगातार इस पर काम कर रही थी और हर दिन नए आयोजन किए जाएंगे। पुराने जो आयोजन होते रहे उनको और अधिक भव्य रूप दिया जाएगा, और जैसे राज्य सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश है, हमारा प्रयास है कि हर आयोजन श्रद्धालुओं की ओर आकर्षक बनाया जाए। श्रद्धालुओं को और अधिक यहाँ किस तरह से सजाएं दे सकते हैं और टूरिस्ट को किस तरह से और अधिक यहाँ पे सजाएं दे सकते हैं, उसके लिए हमने लगातार काम किया है। अभी भी हम लगातार देख रहे हैं जो भी यहाँ पे छोटी मोटी कमियाँ हैं उसको लगातार हमारी टीम यहाँ पे लगी हुई है, पर्याप्त पुलिस फोर्स लगी हुई है, मजिस्ट्रेट्स लगे हुए उसको दूर कर रहे हैं, और हर आयोजन को और अधिक भव्य बनाया जाएगा।
माननीय थाना अधिकारी अरे बोल लें दो उनको यार। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, आवश्यकता अनुसार जाप्ता लगाया गया है, दो पारियों में 24 घंटे जाप्ता रहेगा, बहुत से अधिकारी लगाए गए हैं, 100 से ज़्यादा पिकेट्स लगाए गए हैं पुष्कर और पुष्कर के आसपास, चारों तरफ पुलिस की प्रेजेंस जो है वो कंटिन्यूस बनी हुई है और जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी आवश्यकता अनुसार जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। अभी तक कितना जाप्ता लगा? जाप्ता आवश्यकता के अनुसार बढ़ाते घटाते रहते हैं, जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार हम कंटिन्यूसली जाप्ता लगा रहे हैं। इस कार्यक्रम में पुष्कर की और भी हस्तियां मौजूद रही एवं कई अधिकारी मौजूद रहे। पुष्कर के सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पारशर एवं होटल एसोसिएशन के अक्ष रघु पारिक, देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त क्रिस बच्चा ने, आरटीडीसी के उपनिदेशक अजय शर्मा, प्रद्युमन सिंह, युवा मोर्चा के भुवनेश पाठक सहित कई लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिनेश पाराशर, पुष्कर।